Hello guys, this is Mohit Sharma and you are watching Math Study. Karein ek naye andaaz. How can you calculate the value of 109 square? तो आप क्या करेंगे, सिंपली 109 ऊपर लिखेंगे, 109 नीचे लिखा और उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। दिस इज अ ट्रेडिशनल मेथड, बट आज का हमारा टॉपिक है हम इसको आइडेंटिटी का यूज करके कैसे सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो जो हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी है वो हमारी क्या कहती है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। दिस इज अ वेरी यूजफुल आइडेंटिटी फॉर ऑल ऑफ यू। अब इस आइडेंटिटी का यूज कैसे करना है और ये आइडेंटिटी कैसे बनी, हम इस बात पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ए प्लस बी का स्क्वायर आपको दे रखा है, तो आपको अब ये डिराइव करना है आप इसको कैसे बना सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको ए प्लस बी के होल स्क्वायर को आपको इस टाइप से लिख लेना होगा, ए प्लस बी पहले ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में भी ए प्लस बी। अब आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, तो ए का मल्टीप्लाई ए प्लस बी में कर देंगे, लेकिन सेकेंड टर्म क्या है, बी का मल्टीप्लाई भी आप सेकेंड टर्म में कर देंगे, तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर। तो जैसे कि आपने ये मल्टीप्लाई करा तो आपके पास फोर टर्म्स आ गए, लेकिन आप मिडिल टर्म्स को देखेंगे तो एक में ए बी एक में बी ए है, तो बी ए को भी हम ए बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जब आप लाइक टर्म्स को सम कर देंगे, ये दो आपके लाइक टर्म्स हो गए ए बी और ए बी, तो आप जब इनको सम कर देंगे तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो जो आपकी आइडेंटिटी होती है वो इस टाइप से फॉर्म हो जाती है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब एक प्रॉब्लम देखते हैं, प्रॉब्लम को हम इस आइडेंटिटी का यूज करके कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, जैसे कि प्लस की आइडेंटिटी है वैसी सेम टू सेम माइनस की आइडेंटिटी होती है, तो अभी आपको इस नंबर को ऐसे ब्रेक करना है कि ये प्लस में ब्रेक हो, ठीक है। जैसे ये आपका 109 है तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 100 प्लस 9 की फॉर्म में। और हाँ, इसमें आपको एक ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर ए की वैल्यू बी की जगह और बी की वैल्यू ए की जगह रख दी जाए तो भी जो आपका आंसर है वो सिमिलर आएगा, आंसर पे इस चीज़ का कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखिए आपने कैसे लिखा, 100 प्लस 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू, आप क्या करेंगे, पहला टर्म आपके पास क्या है, ए, ए का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 स्क्वायर, और दूसरा टर्म क्या है, बी, बी का स्क्वायर कितना होगा 9 स्क्वायर। तो आप उसको इस टाइप से लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 100 स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई ए मीन्स 100 मल्टीप्लाई बी मतलब 9 प्लस 9 का स्क्वायर। अब आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट करिए, 10,000 प्लस इसको आप कितना लिख सकते हैं, 1,800 मीन्स 1800 प्लस 9 का स्क्वायर आपके पास कितना होता है, 81। अब आपको क्या करना है, इन तीनों टर्म्स को ऐड कर देना है, ऐड करने के बाद आपको कितनी वैल्यू मिल जाएगी, 11881। तो इस आइडेंटिटी का यूज करके आपने ये वैल्यू फाइंड आउट कर ली, तो ये काफ़ी यूजफुल आइडेंटिटी है, आप किसी भी नंबर को प्लस में ब्रेक करिए आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा। ओके, आई होप ये आपको आइडेंटिटी अच्छे से समझ में आ गई होगी, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू।